नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यशराज कुमार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, फाइनली मैंने जो एक नया मोबाइल परचेस कर लिया है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, जो कि मैंने 8 दिन पहले ऑर्डर किया था और कल जाके होम डिलीवर हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे चैनल पर जो है काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं आ रही थी। दोस्तों, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे चैनल पर जो है वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे पास जो है मोबाइल फ़ोन नहीं था। मोबाइल फ़ोन था भी तो उसका कैमरा जो है ख़राब हो चुका था, तो इसी के चलते मेरे चैनल पर जो है काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी। तो दोस्तों, फाइनली मैंने जो है नया मोबाइल परचेस कर लिया है, तो आपको मेरे चैनल पर जो है कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस मोबाइल के बारे में कि कैसा मोबाइल है और आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फाइनली ये वो मोबाइल है जिसको मैंने ऑनलाइन परचेस किया था फ्लिपकार्ट से। आप देख सकते हैं रेडमी नोट 6 प्रो। और इसके अगर आपको मैं फीचर्स की बात करूं, तो यहाँ पे जो है मुझे जो है ब्लैक कलर का मैंने परचेस किया था, और जो 4 GB रैम और 64 GB आपको इंटरनल देखने को मिल जाएगी। और अगर इसके फीचर की और अगर बात करें, तो मैं आपको यहाँ पर इसके जो है सेंसर लॉक के बारे में बता देना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लुक है इस फ़ोन का, रेडमी नोट 6 प्रो। यहाँ पर आपको एक नॉच डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगी, और साथ ही साथ ड्यूअल कैमरा फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का दिखने को मिल जाएगा। और नॉच डिस्प्ले के साथ साथ यहाँ पर आपको जो है दो स्पीकर भी मिल जाएंगे नीचे की साइड, और यहाँ पर एक चार्जिंग के पिन दिए हुए और एक जो है यहाँ पर ईयरफोन के लिए दिए हुए है। और यहाँ पर ड्यूअल कैमरा जो है रियर कैमरा भी आपको ड्यूअल कैमरा मिलेगा। और सेंसर की अगर बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते बहुत ही फास्ट जो है वर्क कर रहा है यहाँ पर। इसमें जो है मैंने पबजी भी इंस्टॉल किया है, अभी मैंने जो है लिया है, लेकिन अभी मैंने एक बार ही खेला है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा मोबाइल मुझे लगा। आप चाहे तो आप भी परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अगर कैमरे की बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हो आप 8x तक यहाँ पर आपको जूम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कैमरा क्वालिटी वैसे बहुत ही अच्छा है इसका। यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिल जाएगा। मैं आपको पोर्ट्रेट मोड की एक फ़ोटो क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी पिक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा मोबाइल फ़ोन है ये, तो मुझे भी अच्छा लगा। इसी के चलते मैंने जो इसके रिव्यू पढ़े, इसी के बाद मैंने जो है ये मोबाइल परचेस किया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस मोबाइल के फीचर के बारे में देख ही लिया होगा, अगर आप भी चाहते हैं कि ये मोबाइल परचेस करना, तो आप भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके मन में सवाल है कि मैंने 4000 में कैसे बाय किया। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास जो पहले का मोबाइल था लेनोवो वाइव K5 नोट, तो उसको मैंने जो है 10000 में उसको जो है बेच दिया था। उसी के बाद मुझे जो है 10000 मिले थे, तो उसको मैंने जो है 4000 ऊपर मिलाकर जो है ये मोबाइल परचेस किया है। तो यही था दोस्तों, सभी यूट्यूबर करते हैं, बहुत सारे लोग भी करते हैं, तो इसी के चलते मैंने भी ऐसा किया, जो कि मैंने 10000 में बेचकर जो 4000 ऊपर मिलाकर जो है मैंने ये मोबाइल परचेस किया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।